देश के जाने माने शिक्षक अवध प्रताप ओझा पटना के बापू सभागार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बच्चों को मोटिवेट की है और पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पढ़ना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, शिक्षित होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और कभी भी किसी भी चीज से थक हार कर पीछे नहीं हटना है। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक प्रयास करते रहना है। ऐसे में इन्होंने ये भी बताया है, आईएएस पढ़ने वाले बच्चों को भी ये भी कहा है कि पहले एक वक्त था जब बच्चे आईएएस पढ़ते थे और उनके लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान दिल्ली में थे और पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अवध प्रताप ओझा ने कहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर अभी आपको पढ़ना है तो आप हाइब्रिड मोड में पढ़ सकते हैं, यानी सारे बड़े बड़े संस्थान अब ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई कर कर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अपने सपना को पूरा जरूर करें और ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई करें। जी हाँ, बताएं कि खान सर के गुरु माने जाते हैं। ऐसे में इस दौरान पत्रकारों से बातचीत भी की है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। आज तो मुख्य उद्देश्य है यूपीएससी का सेमिनार, और आज यूपीएससी से अतिरिक्त सबसे ज्यादा चर्चा पढ़ाई पर होगी। सर, देखा जाता है कि आपका जो स्पीच है लोगों को, स्टूडेंटों को काफी मोटिवेशनल करती है, इसमें क्या करती है? नहीं, मोटिवेशन इसलिए करती है कि मैं तथ्यात्मक बातें करता हूं और व्यवहारिक करता हूं, दो चीजें आदमी को प्रेरित करती हैं। आप जब व्यवहारिक, जैसे हमने कहा कि यार शराब पियोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और अगर पढ़ोगे तो आईएएस नहीं बनोगे। अब जैसे मैंने कहा पढ़ोगे आईएएस नहीं बनोगे, तो लड़का तुरंत अलर्ट हो जाता है कि फिर तब क्या करने पे आईएएस बनेंगे। तो मैं कहता हूँ समझने पे बनोगे, और फिर जब मैं वहाँ प्रूव करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, तो उसकी कनेक्टिविटी बनती है। जब एक योद्धा को सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है तो बाहर से ताकत क्यों लेना, अंदर से लेना। अर्जुन ने कहाँ बाहर से मोटिवेशन लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहाँ बाहर से मोटिवेशन लिया, गांधी जी ने कहाँ लिया। तो जो भी व्यक्ति तथ्यात्मक और व्यवहारिक बात करेगा लोग उससे जुड़ेंगे। सर, देखा जाता है आपके कई आईपीएस आईएएस भी बने हैं, क्या लगता है सर, कभी भी मुलाकात होती है कैसा लगता है सर? अच्छा बहुत लगता है, जो लोग इज्जत देते हैं उनसे और ज़्यादा अच्छा लगता है, जो इग्नोर कर देते हैं तो फिर और अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं है भाई, आप पेड़ लगाएंगे फल कोई भी खाए, लेकिन फल आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा सामने आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आज वरीय अधिकारियों में शामिल होगा। कैसा खेलेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे हमने पेड़ लगाया उसमें फल निकला, तो जो फीलिंग एक माली को है वही फीलिंग टीचर को भी होती है। सर, पटना कितने बार आप आए, इस बार आने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, पटना तो घर है हमेशा, हमें अच्छा महसूस होता है। और आज चूंकि राजनीतिक रैली भी थी, और हम मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में एक प्रोग्राम फिर करेंगे। नवंबर आने वाला। सर, एक सवाल है, जो दिल्ली में जिस तरह से घटना घटी है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मैं निरंतर लड़कों से अपील करता हूं कि आज से 10 साल पहले दिल्ली जाना अनिवार्य था, क्योंकि वहां के टीचर यहां आते नहीं थे ज़्यादातर, हाई पेएबल टीचर हैं। अब तो हाइब्रिड क्लास है, हाइब्रिड। मैं हमेशा लड़कों से कहता हूँ हाइब्रिड क्लास है, आपको पढ़ना ही तो है। और मैं सारे चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपकी स्थिति नहीं है दिल्ली आने की, तो आप कृपया करके ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें। बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। दिल्ली की दुर्घटना दुखद है, और चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ, राजेंद्र नगर की जो टीवी पे सीन दिखाई गई, तो उतना कहाँ राजेंद्र नगर एडजस्ट कर पाएगा। लेकिन अब सरकार से यही गुजारिश है कि आगे ऐसी कोई घटना रिपीट ना हो। पॉलिटिक्स में भी आना है क्या? पॉलिटिक्स के बिना तो जीवन पूरा ही नहीं होगा, पॉलिटिक्स में ही आना है। तो सर, देखा जाए कि अभी 4-5 साल हो गए, आपका पूरा देश नहीं दुनिया में ख्याति हुआ, इस ख्याति का कहीं साइड इफेक्ट जो अभी पिछले दिनों जो बदनामी तो नहीं हुआ, क्योंकि सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि और ध्वजा सर के लड़के लड़के हुए, जबकि आपको उससे कोई लेना देना नहीं। जब आप हिमालय पे चढ़ेंगे तो आपको साइक्लोन का सामना करना पड़ेगा, अरावली पे चढ़ने पे कौन सा खतरा है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, मर चुके हैं, उनमें कोई खतरा ही नहीं। लेकिन जो भी माउंट एवरेस्ट की 8,848 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर दर्शन करने का प्रयास करेगा, उसको साइक्लोनों से गुजरना पड़ेगा, और हम गुजरते हैं। इस घटना के बाद सर आपको लगा कि बड़ा नाम हमारा है, इसलिए
हमको बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ये तो नियम ही है। बदनाम क्या, मतलब मुझे लगता है शायद छात्रों की एक अपेक्षा भी थी कि हमारे सर हैं, टीचर हैं तो आएंगे, तो उनकी भी अपेक्षा थी। वो बदनामी वाली बात नहीं, कुछ तो उनका दुख भी था, क्रोध भी था। सिर्फ बदनामी ही नहीं थी, कुछ दुख और क्रोध भी था। सफल बनने के लिए क्या कुछ जरूरत होता है सर? चार चीज, अगर वो आईएएस की परीक्षा दे रहा तो उसे चार चीजों की जरूरत पड़ती है। आज मैं उसी पे चर्चा करूंगा। एक तो अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, दूसरा उसको समझ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, दूसरा उसकी तीसरी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके जो अवलोकन करने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन क्षमता, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चौथी चीज साधना। अगर ये चार चीज किसी के पास है तो उसको सफलता मिलेगी। सर एक आखिरी सवाल है सर, बिहार के स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं। बिहार का लड़का मेहनत बहुत करता है, पर जितना वो मेहनत करता है अगर उसकी दिशा सही हो जाए तो उसको रिजल्ट बहुत। पूरी भारत में जितने भी टीचर किसी भी फील्ड में हैं, सर्वाधिक टीचर कहाँ से हैं? बिहार से हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर बिहार से हैं। तो जहाँ इतने ज़्यादा शिक्षक हैं और अच्छे शिक्षक हैं, वहाँ अगर रिजल्ट कम होता है तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ का लड़का। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। जी हाँ, अवध प्रताप ओझा की बात करें तो खान सर के भी गुरु माने जाते हैं। पटना के बापू सभागार पहुंचे हैं, जहां बच्चों को मोटिवेट किया है आगे बढ़ने की, कई सारी प्रेरणाएं दी हैं, कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, और आईएएस पढ़ने वाले बच्चों को भी काफ़ी सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, जिससे बच्चों के मन में पढ़ने की उत्सुकता जागी। क्योंकि शिक्षा की अगर बात की जाए तो हर एक के जीवन में शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षा बहुत ही जरूरी होता है, हर किसी को शिक्षा ग्रहण जरूर करनी चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24+।